अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं टेजर बॉय और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में, जिनमें हम सबसे पहले जिक्र करने वाले हैं रामिस के बारे में। तो भाई रामिस ने लास्ट में अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई जिनमें उन्होंने अपने फैंस को अपडेट करते हुए कहा कि नया गाना जल्द, तो यार इनका सॉन्ग जल्दी आने वाला है, लेट सी कब तक आता है। इससे रिलेटेड कोई अपडेट्स मिलेगी तो वो अपनी वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। तो हम बात करने वाले हैं दावर के बारे में। तो दावर ने भी अपने फैंस को अपडेट करते हुए एक नया ट्रैक अनाउंस किया एंड उसी बारे में अपनी इंस्टा पे स्टोरी लगाते हुए कहे कि एल्बम का अगला ट्रैक सून। सो देखते हैं कि अब इनका सॉन्ग भी कब तक आता है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। तो हम बात करने वाले चेनके के बारे में। तो भाई चेनके का सेकंड सॉन्ग जो है माफी फ्रीस्टाइल, वो भी ट्रेंडिंग सेक्शन में आ चुका है म्यूजिक की कैटेगरी में एंड इसी को शेयर करते हुए चेनके भी अपनी इंस्टा पे स्टोरी लगाई जिनमें वो कहेगी ट्रेंडिंग म्यूजिक एंड ऑल्सो यंगस्टर का जो सॉन्ग है हटो बच्चों, वो भी वो ट्रेंडिंग नंबर 11 पे कर रहा है पूरे पाकिस्तान में। एंड ऑल्सो गाइज, हाशिम नवाज का भी एक न्यू सॉन्ग आने वाला है सजदा, जिसे हमजी भी अपनी इंस्टा पर शेयर करते हुए कहे कि आमर 2 में भी। तो भाई गाइस बढ़ते हैं अपनी थोड़ी ठंडी हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं LNP एंड हनी टाइगर के बारे में। तो LNP का आपको पता है कि यार वो ग्लो को रोस्ट वगैरह करता है, तो उसने रिसेंटली जो है हनी टाइगर को रोस्ट किया था एंड उसके बाद हनी टाइगर उनको रिप्लाई पे कुछ कहे ही नहीं बल्कि उसके अगेंस्ट एक डिस ट्रैक निकाले। और डिस ट्रैक अगर आपने नहीं सुना तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर सुन लेना। वैसे डिस ट्रैक का नाम है हनी टाइगर डिस 18+2 डॉगी एंड पी एंड इसी रिप्लाई में फिर 24 आवर्स में ही LNP ने एक डिस ट्रैक निकाला जिसके टाइटल में उनका ऑफिशियल डिस ट्रैक रिप्लाई टू गनी सूर। सो अगर आप लोगों ने ये सॉन्ग सुनने हैं तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वैसे सुनने बस ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से जाकर सुन लेना। तो बढ़ते हैं अपनी गेमिंग कम्युनिटी की तरफ। तो हम बात करने वाले SSG कैप्टन के बारे में। तो लास्ट टाइम PUBG ऑफिशियल PK ने जो है एक पोस्ट शेयर की जिनमें उन्होंने डॉक्टर पिकाचू की पिक्चर दी है, साथ में कुछ डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स वगैरह लिखी और अच्छा कंटेंट क्रिएटर करार दिया एंड इस पे अपनी इंस्टा स्टोरी पे शेयर करते हुए SSG कैप्टन रिएक्ट करते हुए कहे कि वेल डन PUBG PK ऑफिशियल, आप लोग सही लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, यूं ही शुगल मेला लगाए रखो, PUBG पाकिस्तान जिंदाबाद। और लास्ट में उन्होंने कॉर्नर पे लिखा #BC। सो SSG जो है इससे लगता है कि भाई खुश नहीं है, उन ट्रेन के डॉक्टर पिकाचू को प्रमोट नहीं करना चाहिए था। वेल देखा जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट यार Saif-47 खलीफा को जो प्रमोट किया था वो गुड था क्योंकि वो अच्छे प्लेयर है एंड डॉक्टर पिकाचू का मैं कुछ कह नहीं सकता, बट देख लेते हैं क्या सीन होने वाला है। डॉक्टर पिकाचू फिलहाल इस पे कोई रिएक्ट तो नहीं किया, बट फिलहाल तो यही सीन ऑन रहा। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। तो हम बात करने वाले हैं स्टार एनोनिमस के बारे में। तो भाई रिसेंटली स्टार एनोनिमस ने लास्ट टाइम अपनी इंस्टा पर स्टोरीज लगाई जिन पे उन्होंने लोगों के रिप्लाई किए, कुछ लोगों ने उनसे कुछ सवाल किए थे एंड उसी के रिप्लाई देते हुए इंस्टाग्राम पे वो स्टोरीज लगाई जिनमें काफी सारी बातें करे। तो मैं पूरा सीन आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद उनके मुंह सुनना कि वो एग्जैक्टली क्या कहे लोगों को रिप्लाई में। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो अब मैं ज़रा थोड़ी कॉम्पेटिटिव सीन्स की अपडेट्स देते चलूँ क्योंकि पब्लिक काफ़ी ज़्यादा मेंशन वगैरह कर रही है। तो पब्लिक एक जो थी मेरी डिवाइस, पहले मेरे पास था आईफोन XX Max, कॉम्पेटिटिव के लिए बहुत पहले बाई किया था, फिर मैं मतलब नॉर्मल यूज़ के लिए फेस कैम वीडियोज़ के लिए यूज़ करता था। अब मैं लाइक कुछ दिनों पहले उसको सेल किया और आईफोन 11 Pro Max लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई गरूर नहीं है, सेकेंड हैंड लिया, अल्लाह पाक नसीब करे, जस्ट कॉम्पेटिटिव के लिए। तो मैं कॉम्पेटिटिव खेल रहा हूँ 11 Pro Max पे। और दूसरा कि वो गेम प्ले क्यों नहीं अपलोड करते, देखो उसका आंसर ये है पब्लिक के आप देख सकते हो फ्यूरी गॉड फ्यूरी भी करता है हमारा और जारोक भी करता है, तो अगर मैं सेम मैच अपलोड करूँगा डेफिनेटली पब्लिक मेरी वीडियो देखेगी उन लोग की नहीं दिखेगी और मैं अपने टीममेट्स के पेट पे लात मारने वाला सीन नहीं करता। अब मैं सेकंड चैनल पे भी कर सकता हूँ अगर मेन पे ना करूँ, तो फिर भी मतलब अब लोग मैच देखने के लिए उनके चैनल पे जाते हैं, उनको व्यूज़ थोड़े, तो चलो इससे मेरे टीममेट्स का थोड़ा भला हो जाता है। तो ये दो चीज़ें थी कि गेम प्ले मैं पोस्ट नहीं करता, जैसे चल रहा है इंशाल्लाह वैसे चलेगा, और मॉन्टाज वगैरह डाल के वो शायद फीचर में पोस्ट कर दूँ, मॉन्टाज इंस्टाग्राम वगैरह पे चलेगा, बाकी गेम प्ले में भाई उनका चलने दो। दूसरा डिवाइस वो है अल्हम्दुलिल्लाह 11 Pro Max, शुक्रिया ऐसे सपोर्ट करने। तो गाइज हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। तो हम बात करने वाले हैं बिलाल सईद और मोमिना मुस्तशीन के बारे में, जिनके कोलैबोरेशन सॉन्ग आने वाला है इब्राहिम परदेसी के साथ। तो लास्ट टाइम जो है अपने इंस्टा पर इब्राहिम परदेसी एक वीडियो की शूटिंग के दौरान शेयर की है एंड उनकी वीडियो शूट जो है फाइनली कम्प्लीट हो चुकी है, तो आप पहले इनकी वीडियो का शूट देख लें। तो यार इसके बाद उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पे लास्ट टाइम ये तस्वीर शेयर की जिसमें लिखा कि 2 days to go। तो यार इनका सॉन्ग जो है विद इन 2 days जल्दी आ जाएगा, इनके कल परसों तक आ ही जाएगा। तो अगर वो सॉन्ग आ जाएगा तो मैं अपनी वीडियो में शेयर कर दूंगा, अगर आप लोगों ने पहले नहीं सुन लिया हो तो, अगर सुन लिया होगा तो फिर ठीक है, और मुझे इसके बारे में अपना ओपिनियन जरूर बताना। वैसे ये सॉन्ग जो है बारिक और Part 2 है ऊंचियां दीवारा, बारिक की जो सक्सेस है उसके बाद आई थिंक लगता है इनको आइडिया आएगा दूसरा पार्ट भी इसका बना लेना चाहिए। तो इसी
इसके साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। तो हम बात करने वाले हैं अब्बा एक सुनो के बारे में। तो अब्बा एक सुनो जो है द लेम गाय को शेयर करते हुए अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि हैप्पी 20K किंग 100K ऑन इट्स वे द लेम गाय। एंड गाइज आल्सो रेमेडीज विद खानम जो है उन्होंने अपना एक नाम था वो चेंज कर लिया एंड उसका नाम उन्होंने रख लिया फखरा खानम। और उसके बाद वो इसी से रिलेटेड अपनी इंस्टा पर स्टोरी लगाकर ब्रांड्स को अवेयर करते हुए कही कि डियर ब्रांड्स प्लीज नोट दैट आई हैव चेंज माई इंस्टाग्राम यूजर नेम फ्रॉम रेमेडीज विद खानम टू फखरा खानम। आई रिक्वेस्ट यू टू अपडेट इट ऑन योर रिस्पेक्टिव सोशल मीडिया एंड वेयर एवर यू हैव मेंशन मी थैंक यू ऑल। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। तो हम बात करने वाले हैं थग्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में। तो थग्स ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट टाइम अपनी इंस्टा पे Q&A रखा था जिस पे लोगों ने उनसे क्वेश्चन वगैरह किए काफी सारे। तो किसी ने क्वेश्चन किया कि रिएक्ट ऑन योर ओल्ड वीडियोस ऑलमोस्ट 2 or 3 year old, जिस पे रिप्लाई में वो कहे कि ये वीडियोस आज भी यूट्यूब पे हैं, देखूंगा एक ना एक दिन। एंड उसके बाद उन्होंने सेपरेट पे छोटा सा लिखा प्राइवेट है, रोस्टिंग वीडियोस नहीं है। सो या इस पे वो रिएक्ट करेंगे, उनके ओल्ड वीडियोस देखने का मौका मिलेगा कि वो कैसे थी एंड लेट्स सी कि वो बनाते भी है कि नहीं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जाने। तो हम बात करने वाले हैं भोला रिकॉर्ड के बारे में। तो भाई भोला रिकॉर्ड के जो है ना फेक पेजेस बन रहे हैं, फैन पेजेस जो है, फैन पेजेस का नाम ही नहीं लग रहा बट सीधा भोला रिकॉर्ड लगा रहे हैं। एंड फेसबुक पे वो काफी सारी जगह उन्होंने इस चीज को देखा और काफी बार उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर भी शेयर किया, बट बात जब हादसे बढ़ गई तो उन्होंने इस पे रिएक्ट करते हुए अपनी इंस्टा स्टोरी पे सबको स्पेशली एक वार्निंग दी। तो वो वार्निंग में क्या कहे आप उनकी वीडियो खुद देख लें। वालेकुम मेरे वीरो दोस्तों, की हाल चाल ठीक हो? ए होशियार हो जो जेडे बंदे मेरा नाम इस्तेमाल करने भोला रिकॉर्ड दे नाम दी भावें फेसबुक दी आईडी है भावें टिकटॉक दी आईडी है, मैं ओदे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है, साइबर क्राइम दे रिपोर्ट दे रही है। इंशाल्लाह ताला तुहाड़ी दुआवां, तुहाड़ा प्यार ते मेरे लवरो फेक लोग सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसे हफ्ते के अंदर अंदर अजा सवार तो बाद हफ्ता आ रहा ना इंशाल्लाह ताला, इन्हों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, रिपोर्ट होगी, इन्होंने पेज ब्लॉक होंगे, एक मेरा फेसबुक का ट्रेस करा इंशाल्लाह ताला, तुहानू कानून के कटेरे च लैके वहावगा तो सजा भी देंगा इंशाल्लाह ताला। भोला रिकॉर्ड मायदा लाल इको ही, जिन्हें मर्जी टट्टू टहरे पैदा हो जाए उन्होंने प्यो इको ही भोला रिकॉर्ड, इंशाल्लाह कानून की गिरफ्तारी च आ जाएंगे ऐसे हफ्ते के अंदर अंदर। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले शावीर जाफरी के बारे में। तो शावीर जाफरी ने लास्ट टाइम अपने इंस्टा पे स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने एक वीडियो बनाया है और वीडियो का नाम है लकासा दी पापेल। सो आई डोंट नो कि इसका मतलब क्या है, बट वो अपने 5 फ्रेंड्स के साथ ही वीडियो बना चुके हैं एंड वो इस विंटर आएगी और थिएटर्स में होगी। सो लेट्स सी कि कब तक आती है विंटर में, जैसे इससे रिलेटेड कोई अपडेट्स मिलेगी वो भी मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। तो इसी के साथ आप बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। तो हम बात करने वाले हैं बेकार फिल्म्स के बारे में। तो बेकार फिल्म्स के जो है समी ने अपनी इंस्टा पर स्टोरीज लगाई जिससे मुबीन ने अपनी इंस्टा पर शेयर करते हुए बताया कि भाई उनकी न्यू वीडियो आ रही है, काफी ज्यादा शूट चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड वो वीडियो भी शेयर किया। तो आप उनकी वीडियो देख लें कि वो एग्जैक्टली क्या कहें। बहुत सारी शूट्स हैं आज एक ही दिन में, पहली शूट बेकार फिल्म्स की, ये शख्स कर रहा है और वो एक्टिंग कर रहा है, दूसरी शूट इस शख्स की, तीसरी शूट इस शख्स के इंस्टा की, माशाल्लाह। व्लॉगर कैसे हो तुम? मैंने सुना तुम्हें एफआईए वाले ढूंढ रहे हैं। लोकेशन नंबर 2, दिस गाइस शूटिंग, दिस गाइस एक्टिंग। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। तो जैसे कि आप लोगों को पता लग ही गया होगा फेसबुक या इंस्टा या फिर कहीं और से कि नदीम नानी वाले को माशाल्लाह से काफी अच्छी खासी पड़ी है एंड वो जो है अब वीडियोस वगैरह लोगों की डिलीट करवा रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड LNP भी अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी लगाए जिसमें वो लोगों को कहे कि भाई मेरा डिस्ट्रैक अपनी इंस्टा स्टोरी पे शेयर करो एंड मुझसे वो वीडियो लो। और इसके अलावा वो क्या कहे वो भी आप उनकी स्टोरी खुद देख लें। नानी वाले को आज बीच पाकिस्तान की सड़कों पर मारा गया, वीडियो मेरे पास है, जिसको चाहिए जो मेरा डिस गाना है उसको अपने स्टोरी लाइन पे लगा के मुझे टैग मार देना, वीडियो तो नहीं नानी ने सेंड कराएगा। तो यार दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर बुरा लगा तो वीडियो को डिसलाइक कर दे। और अगर कोई यूट्यूब या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई अपडेट या फिर कोई वीडियो आपके पास है तो वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आप। मैं न्यूज देने वाले को वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट्स भी दूंगा। और हाँ गाइज यार अपना ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर किया। तो गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो बेल आइकन भी दबा देना। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा भला होगा एंड आप लोगों का भी होगा क्योंकि मैं आपको फ्यूचर जो सीन है उनसे अपडेट रखूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना अपना। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दे, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।